नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप भारत में देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में आजकल ईडी काफी सक्रियता से काम कर रही है और काला धन रखने वालों के यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं। लेकिन पिछले सप्ताह एक चौंकाने वाली खबर आई कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर संघीय जाँच ब्यूरो यानी FBI ने छापा मारा है। अमेरिका में किसी पूर्व राष्ट्रपति के यहाँ अब तक ऐसा छापा नहीं पड़ा था, इसलिए पूरी दुनिया चौंक गई। माना गया कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सरकार की नाकामियों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए अपने पूर्ववर्ती ट्रंप पर हमला कर रहे हैं। कहा गया कि ट्रंप पर छापेमारी इसलिए भी कराई गई ताकि उनकी छवि खराब की जा सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस छापेमारी से ट्रंप के खिलाफ क्या निकलेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो इस छापेमारी का असर यह हुआ है कि ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ गई है। अमेरिकी जनता बाइडेन प्रशासन से पूछ रही है कि आखिर यह छापेमारी क्यों की गई। इसके जवाब में आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं कि FBI ने परमाणु हथियारों से संबंधित दस्तावेजों की तलाश में डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारा था। अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने इस संबंध में खुलासा करते हुए बताया है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाम बीच में पूर्व राष्ट्रपति के मारे लागो रिजॉर्ट में ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं या नहीं। वहीं ट्रंप और न्याय विभाग ने भी परमाणु हथियारों से संबंधित दस्तावेजों की खोज पर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि FBI ने ट्रंप के आलिशान घर से छापेमारी के दौरान दस्तावेजों से भरे एक दर्जन बॉक्स जब्त किए थे। इस कार्रवाई को जानबूझकर ऐसे वक्त पर अंजाम दिया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप घर पर नहीं थे। अफसरों का मानना था कि ट्रंप की मौजूदगी में छापे मारने से कार्रवाई प्रभावित हो सकती है और वह इसे मुद्दा बनाते हुए इसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। हालांकि पहले यह बताया गया था कि यह छापेमारी राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े आधिकारिक कागजातों की तलाश में की गई है जिन्हें ट्रंप अपने साथ ले आए थे, लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि परमाणु हथियारों से संबंधित दस्तावेजों की तलाश की जा रही थी। FBI ने ट्रंप के घर एक तिजोरी को भी तोड़ा जिस पर ट्रंप बिफर पड़े हैं। ट्रंप ने इसे साल 2024 में व्हाइट हाउस पहुंचने के उनके प्रयासों में अड़ंगा लगाने वाला करार दिया है। इस छापेमारी के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फ्लोरिडा के उनके घर में तलाशी चल रही है। उन्होंने कहा यह हमारे देश के लिए बुरा दौर है क्योंकि फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे लोगों के मेरे खूबसूरत घर पर FBI एजेंट के एक बड़े समूह ने घेराबंदी की, छापा मारा और उसे कब्जे में ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा उन्होंने मेरी तिजोरी तक तोड़ दी, इसमें और वाटरगेट में क्या फ़र्क है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ऐसा हमला केवल तीसरी दुनिया यानी गरीब और विकासशील देशों में ही हो सकता है। उन्होंने कहा दुखद रूप से अमेरिका उन देशों में से एक बन गया है, पहले इस स्तर का कदाचार नहीं देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कार्रवाई है। ट्रंप ने कहा मैं अमेरिकी लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार FBI की तलाशी 15 संदूकों में रखे गए उन दस्तावेजों से संबंधित थी जो ट्रंप जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने पर मारे लागो में ले गए थे। इनमें से कुछ दस्तावेज को राष्ट्रीय अभिलेखागार ने गोपनीय दस्तावेज के रूप में चिन्हित किया था। उधर ट्रंप के भारतीय मूल के समर्थकों ने फ्लोरिडा में उनके आलिशान घर पर छापे मारे जाने के कदम को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया है। अमेरिकी उद्यमी और फ्लोरिडा के ओकोला में समुदाय के नेता दिग्विजय गायकवाड़ ने कहा यह अनुचित, अन्यायपूर्ण, अनसुनी और पूरी तरह से आश्चर्यजनक कार्रवाई थी। इंडियन अमेरिकन ट्रंप अभियान की सदस्य डॉक्टर शोभा ने कहा मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं था और जांच करने का यह सही तरीका नहीं है। ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान के लिए धन एकत्रित करने वाले और उनके समर्थक अल मैसन ने कहा ट्रंप सकारात्मकता पर एक किताब है, यह छापा ट्रंप के लिए सकारात्मक है, उनके लिए एक तरह का आशीर्वाद है, यह निश्चित ही उन्हें 2024 में फायदा पहुंचाएगा। वहीं निवेशक और उद्यमी श्रीधर चित्याला ने FBI के छापों को अभूतपूर्व और अवांछित बताया है। इस बीच अमेरिका में FBI के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।
अमेरिका के सिनसिनाटी में गुरुवार को एफबीआई के कार्यालय में घुसने की कोशिश करने के बाद मौके से फरार हुए एक हथियारबंद व्यक्ति को पुलिस ने करीब एक घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद राज्य के एक ग्रामीण इलाके में मार गिराया। ओहायो स्टेट हाईवे पेट्रोल ने यह जानकारी दी। यह घटना उस समय हुई जब अधिकारियों ने फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के यहाँ छापेमारी के बाद संघीय एजेंटों के खिलाफ खतरों में वृद्धि की चेतावनी दी थी। कानून प्रवर्तन अधिकारी के अनुसार मारे गए संदिग्ध की पहचान रिकी शिफर के रूप में हुई है। जहां तक एफबीआई छापे से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने की बात है तो हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप अमेरिकी संसद भवन पर 6 जनवरी 2021 को हमला करने वाली भीड़ को कथित तौर पर भड़काने के एक अन्य मामले में भी जाँच का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी उलझे हुए हैं। ट्रंप से न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा रियल एस्टेट दिग्गज के रूप में उनके सौदों की लंबे समय से चल रही दीवानी जांच के तहत पूछताछ की गई। ट्रंप पर आरोप है कि उनकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्फ कोर्स और गगनचुंबी इमारतों जैसी बेशकीमती संपत्तियों का मूल्य गलत बताया तथा उधारदाताओं और कर अधिकारियों को गुमराह किया। ट्रंप जब पूछताछ के लिए न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के तहत सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मेरी महान कंपनी और खुद मुझे हर ओर से निशाना बनाया जा रहा है, बनाना रिपब्लिक। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रह चुके ट्रंप ने अपने देश को अब बनाना रिपब्लिक कहना शुरू कर दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।